नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे और देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, आजादी की 77वीं वर्षगांठ से पहले पूरा देश इस वक्त तिरंगामय हो गया है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में लगातार दूसरे साल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर, हर सड़क, हर घर पर शान से तिरंगा लहराया जा रहा है। आजादी के उत्सव के जश्न की तस्वीर आप भी देखिए। हिंदुस्तान की आन बान और शान तिरंगा। तिरंगे की बहार, आजादी का जश्न शानदार। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, हर घर तिरंगा अभियान। आजादी का पर्व, हिंदुस्तान को गर्व। कश्मीर की बदली फिजा, हर घर तिरंगा। देश का मान, तिरंगा अभियान। हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मना रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा और हर हाथ तिरंगा नजर आ रहा है। यहाँ हर किसी के लबों पर देशभक्ति के तराने हैं। पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर बस एक ही शब्द है, मेरी आन तिरंगा, मेरी शान तिरंगा। जम्मू कश्मीर में देशभक्ति के अनूठे रंग देखने को मिले। डोडा में हिंदुस्तान की आजादी के जश्न में शामिल होने मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। घाटी की तस्वीरें दिल जीत लेती हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग आजादी के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये श्रीनगर की डल झील है और ये जश्न है आजादी के अमृत महोत्सव का। यहाँ शिकारों पर तिरंगा लगाया गया है और यहाँ के लोग देशभक्ति में डूबे हैं। श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर की SKICC से बोटैनिकल गार्डन तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत आज यहाँ श्रीनगर के SKICC से एक भव्य रैली निकली। आप देख सकते हैं LG मनोज सिन्हा तिरंगा लेकर इस यात्रा के रूप में शुरुआत की है और ये तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से निकल पड़ी और बॉटनिकल गार्डन तक जाएगी। आप देखिए हजारों की तादाद में इस यात्रा में जो है लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी पुलिस फोर्स के साथ इस तिरंगा रैली का हिस्सा बने। हमारे लिए और सब आवाम के लिए ये फख्र की बात है कि हम तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में उत्साह के साथ लोगों ने इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया था। इस साल उससे भी बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में नौजवान बच्चे, बच्चियां और हमारे शहरियों ने इसमें हिस्सा लिया है। फोर्सेस के लोग, आर्मी, BSF, CRP, SSB, पुलिस, सारे जवान और सभी फोर्सेस के ऑफिसर मिलकर के इसमें हिस्सा ले रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है। अब आप आजादी के उत्सव के जश्न की इस तस्वीर को देखिए, जहां हिजबुल के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने घर पर तिरंगा फहराया। घाटी में अनुच्छेद 370 हटने से पहले जहां गोलियों की गूंज ज्यादा सुनाई देती थी, आज वहां तिरंगा आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। घाटी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां की आबो हवा और फिजा तेजी से बदल रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां अमन और चैन के लिए लोगों की उम्मीद उन्हें फिर से खुली हवा में सांस लेने के लिए उत्साहित कर रही है। आजादी की 77वीं वर्षगांठ से पहले पूरा देश तिरंगामय हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में लगातार दूसरे साल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद से की। इस मेगा इवेंट में वो हजारों लोगों के बीच में तिरंगा लेकर पहुंचे। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को एक बहुत अच्छे भाव के साथ देश की जनता के सामने रखा। 1857 से लेकर
1947 तक का 90 साल का हमारा आजादी का संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जननी ऐसा हमारा ये देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर 75 साल से दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। घरों में तिरंगा लगाने के साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो भी बदलने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हर घर तिरंगा अभियान की भावना में आइए, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 3 दिन चलने वाले इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एक विशेष दौड़ का भी आयोजन किया गया। देश की राजधानी के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में भी हजारों लोग हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। यहां हजारों गाड़ियों के साथ बीजेपी ने एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। देशभक्ति की झलक हरियाणा में भी देखने को मिली। हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर अपने अपने घरों से निकले। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जयपुर में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक बाइक और तिरंगे ही दिखाई दिए। हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प है आज एक हर हिंदुस्तानी का कि जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जहां सीना ताने हाथों में तिरंगा लिए आईटीबीपी के जवानों के साथ बच्चे और बड़े भारत के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांव की है। यहां आईटीबीपी जवानों ने ग्रामीणों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आजाद भारत की तस्वीरें गौरव का एहसास कराती है। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई आजादी का जश्न मनाने निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।